तो भाई मेरा हक मुझे मिल जाए, बात खत्म। मेरे को किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना मेरे को कुछ करना है। मेरा मेरे घर में कोई फीडर नहीं है, मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनको मेरे को पालना है, मैं कैसे करूंगी भाई। आयोग के जब से प्यारे खान साहब अध्यक्ष बने हैं जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी पार्टियों के लोग उनके पास जाते हैं। हम भी दो तीन बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमने देखा दूसरी पार्टियों की भी लोग जी वो जा रहे हैं। तो प्यारे खान साहब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होने के नाते सभी के काम बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, ये हमने उनका दिनचर्या देखा है। मैं मोहम्मद शहजाद आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ जिसका हल आपके एक शेयर से हो सकता है। ये जो आप महिला देख रहे हैं, ये पिछले 8 साल से परेशान है। क्यों परेशान है? जॉब के लिए। मिल्लत हाई स्कूल शांति नगर में एक स्कूल है जो अपने टीचर्स को लेके काफी सुर्खियों में रहती है। इसलिए नहीं कि वो अपने टीचर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, वहाँ के मैनेजमेंट से लगातार शोषण की कंप्लेंट आती है। इस बार हमारे साथ है उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम मैडम, बताएं आपका क्या है पूरा मामला। जी, मेरे हस्बैंड जो है मिल्लत हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर थे और वो इंग्लिश लेते थे और अचानक से हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया 2017 में। और उसके बाद सब लोग आए, सब करे, फिर उसके बाद सब मेरे जो जेठ है वहाँ के सेक्रेटरी जो है वो मेरे जेठ है, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है। यानी कि मिल्लत हाई स्कूल के जो सेक्रेटरी है हाँ, वो आपके जेठ है। हाँ, सगे जेठ है। मींस आपके जो शौहर है जिनकी डेट हो गई हाँ, है उनके भाई है। हाँ, सगे भाई है। सगे भाई है जी, सगे भाई। और वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो आप क्या वाकई में आप एलिजिबल नहीं है। नहीं, मैं तो एलिजिबल हूँ। पहले तो उन्होंने मेरे को बोले कि तुम डीएडी मत करो, तुम्हारी एज हो गई है पहले। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि भाई देखते हैं, करते हैं, ऐसा वैसा करके फिर उसके बाद बोले कि तुम्हारे जो हस्बैंड है वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर्ड ही नहीं हुए। यानी ऑन ड्यूटी उनका मतलब था कि भाई स्कूल में एक्सपायर्ड होते तो ऑन ड्यूटी कहलाते। अच्छा, ये गौर करने वाली कानून। लेकिन उन्होंने फिर मेरे को, जैसे उनको ऐसा था कि अगर मेरा डीएड हो जाएगा तो फिर मेरे को जॉब देना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने पहले चैलम तक 40 दिन तक रोज आए और उन्होंने बोले कि कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग है, हम लोग है। और फिर वो बोले कोई टेंशन नहीं लेना और हम सब करेंगे। जब मेरी इद्दत पूरी हुई फिर उन्होंने मेरे को बोले थे नए सेशन से अपन करेंगे। फिर मैंने उनको बुलाई और मैं बोली भाई आपका बोल रहे थे आपकी स्कूल में जैसे अपॉइंट करेंगे मेरे को जैसा भी है। तो उन्होंने बोले नहीं, हमारे स्कूल में कोई जगह होगा तो है नहीं अभी फिलहाल में, ऐसा है तो मैं दूसरे स्कूल में जाके तुम्हारी बात कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, बाजी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है इद्दत का, उसका मतलब जो हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनको बता दें, इनके शौहर की डेट हो गई है तो जिस मुस्लिम महिला के शौहर की डेट हो जाती है तो 3 महीने 13 दिन वो महिला के इज्जत की कहलाते हैं। गैर जरूरी काम से महिला घर से बाहर नहीं जाती है, जरूरी काम रहा तो जा सकती है, तो उसे कहते हैं इज्जत के टाइम। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसा आपको जॉब पर नहीं लिया जा रहा है और नॉर्मली चाहे उर्दू स्कूल हो चाहे हिंदी स्कूल हो, जो मैनेजमेंट का ये सिस्टम है, अधिकतर ये स्कैम देखने में आता है कि जो भी जॉब पर रखा जाता है तो उससे तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। तो आप उनके रिश्तेदार हैं तो क्या इसी वजह से आपको जॉब पर नहीं रख रहे, किसी बाहरी व्यक्ति को रखेंगे तो शायद उनको 40 लाख नहीं, वो मुझे क्यों। मैंने जब केस किया और जब मैंने उनको बोली तो वो बोले कि भाई पहले तो बोले कि हाँ हमारे तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है, जब कोई वैकेंसी होंगी तो हम तुमको यानी बताएंगे कि भाई, तो उस टाइम हम सोच सकते हैं। फिर उसके बाद पहला तो प्रॉब्लम ये आया कि भाई मेरा डीएड नहीं था, फिर उसके बाद मैंने डीएड कर ली कि भाई इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको डीएड जरूरी, नहीं तो आप टीचरशिप नहीं कर सकते। मैंने जब डीएड में यानी जैसे ही मैंने एडमिशन ली, वो भी मैंने उनको बता दी थी कि मैंने एडमिशन ले लिया है, मैंने हर चीज़ की उनको खबर करी कि मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, मेरा सेकेंड ईयर हो गया। लेकिन फिर उसके बाद वो उनको नहीं लेना था तो वो एक एक बातें नहीं नहीं करने लग गए थे। और मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो ना मेरी जॉब, मेरे को अनुकंपा में ना जॉब मिला और ना मेरे को पेंशन मिली। यानी मेरा ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो एक चलती हुई एक दुकान को ताला लग गया। और क्यों, मेरी बड़ी बेटी जो थी वो 10th में थी, छोटी बेटी 7th में थी, तो हमारा तो कोई फीडर ही नहीं था ना। और मैं हाउस वाइफ थी, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। किसी तरह से लोगों ने, इन्होंने, मेरे घर वालों ने मदद कर करके हमारा चलता था और आज भी हमारे ट्यूशन पढ़ पढ़ के पढ़ा पढ़ा के हम लोग अपना चला रहे हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर जॉब पे थे तो कानूनन हक बनता है मेरा कि अनुकंपा में उनकी जगह मेरे को लिया जाए, तो इसलिए मेरा हक मेरे को चाहिए, मैं किसी का सपोर्ट। फिर ये नजीर सर मेरे को रास्ते में मिले कि भाई एक बार मिले तो तुम लोग कोर्ट कचहरी मत करो, मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी एडमिट थी डॉक्टर अरशद, किया उन्होंने मेरे को बुलाए
और मेरे को बोले कि अरे भाई तुम कोर्ट कचहरी मत करो, मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन क्योंकि मेरे को उनको ट्रस्ट नहीं है उन पर, क्योंकि उनकी हर बात जो है मेरे को लगता है कि ट्रस्टवर्दी मैन नहीं है। वो जो करने वाला रहता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता वो करता नहीं है। तुमको सब मेरे हालात मालूम थे, तुमने मेरे को यहाँ तक पहुँचने नहीं देना था। तुम पहले ही मेरा कर देते तो मैं कहे को केस करती और कोर्ट कचहरी जाती। तुमने तो बोलना था भाई दिख रहा है फीडर कोई नहीं है, तुमने तो आगे बढ़कर मेरा करना था। आज मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी फिर उस मेरे को ना तुम्हारा पैसा होना ना कुछ होना, क्योंकि मेरे ZP से लेटर्स आ चुके हैं दो कि इनको आप लो, एलिजिबल है ये। अब DED का था, मैंने सब कर लिया और वहां से दो लेटर्स आ चुके हैं कि आप लो। तो उन्होंने फिर बोले कि भाई ये उर्दू मीडियम की नहीं है, हमारे इसको माइनॉरिटी का है कि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ। तो मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ बट मेरा एक सब्जेक्ट उर्दू है जो 100 मार्क्स का मैंने 10th में दिया हुआ है, थर्ड लैंग्वेज मेरी उर्दू है। और वहाँ तो कई टीचर्स मिल्लत में ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन उनको लेना था तो उन्होंने लिए, ये तो एक बहाना है। फिर उन्होंने बोले कि भाई ओवर एज हो गई। तो जब मैंने वहाँ पर बोला था, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो जब मेरी 40 ईयर्स की एज थी, अब जब मैंने DED करा जब भी मैं एलिजिबल थी, अब इन्होंने मेरे को आगे बढ़ाते जा रहे मेरा टाइम खराब कर रहे। तो उसमें तो एज होंगी ना, अगर एक बच्चा 5 साल का है और वो आप उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर और उसको दे रहे नहीं, तो 10 साल का हो ही जाएगा फिर, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। और ये जो सब मेरे को कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को आज मेरे साथ जो कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे को यहाँ तक तकलीफ उठा रही हूँ मैं। तो मेरे को तो मेरा हक चाहिए ना, तो उसके लिए मैं अपना हक मांग रही हूँ। मेरा मेरे को दे दो, तुम्हारी मेरे को सहानुभूति नहीं होना, मेरे को तुम्हारी वो नहीं, कुछ भी मेरी मदद नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। बस मेरे हस्बैंड का जो हक है वो मेरे को दो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट फेवर करती है, गवर्नमेंट का रूल है, और गवर्नमेंट जो सैलरी देंगी कोई तुम्हारे जब से तो कोई तुम देंगे नहीं, इसलिए मेरे को मेरा हक दे दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, आपने बातों बातों में एक चीज बताई कि जैसे कि आपने अप्लाई किया तो आपको कहा गया कि वैकेंसी नहीं है, और अभी जो है उन्होंने कुछ दिन पहले इश्तिहार में एक वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, दो वैकेंसी थी वहाँ पर, दो तो हाँ। उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, तो दो वैकेंसी थी, तो उन लोगों के सब सेटिंग वाले मैटर्स चलते है। इन्हें पहले अगर जिसको भी उनको लेना रहता है तो पहले वो उसको कच्चे पे रखते हैं 2-3 हज़ार रुपए महीने से, वो करते रहता है और उसको बात हो जाती है इन लोगों की कि भाई इसके बाद हम तुमको ही लेंगे। तो ऐसे उनके कैंडिडेट पहले से तैयार थे वहां पर, तो जो वैकेंसी निकली तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को लिए। उसमें अब एक दो लड़े थे, एक का जैसे आजकल जो एंट्रेंस एग्जाम चल रही है तो वो एंट्रेंस उसने क्लियर कर लिया तो उसका हो गया। अब एक जो है तो वो और जद्दोजहद कर रही, जब उसका वो एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उनको मेरे को लेना नहीं है तो वो हर बार एक नई बात करते हैं और हर चीज एक नया लाके मेरे सामने डाल देते हैं, क्योंकि उनको लेना नहीं है। अब वो क्यों नहीं लेना है तो आप उन्हीं से पूछो और वही बताएंगे भाई मेरे को क्यों नहीं लेना है। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस में आपने कानूनी प्रक्रिया को इन्वॉल्व किया है? हाँ। तो वहां से क्या आपको फीडबैक मिला है? वहां से उन लोग ने Z2 वालों ने उनको लेटर भेजे स्कूल को कि आपको लो, वो एलिजिबल है। की बात है, अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुए, ये बात अभी साल भर पहले की छूंगी। इसके अलावा जो है जी, अभी सुनने में ये आया है कि आप महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब जी, आप उनके पास गए तो उसके बाद में कुछ हलचल आपको तेज होती हुई नजर आ रही है? हाँ, उन्होंने बोला है कि भाई आपके ऊपर अत्याचार हुआ है सरासर, तो आप बिल्कुल कोर्ट में जाओ और अपना मामला दर्ज कराओ और वहाँ पर मेरी अभी हियरिंग है। अच्छा, अल्पसंख्यक आयोग में आपकी हियरिंग? हाँ, मेरी हियरिंग है अभी, यानी 8 तारीख को मेरी हियरिंग है बॉम्बे में। मुझे बुलाया गया है, लेटर आया और उनका कॉल भी आया मुझे कि आप हियरिंग दो वहाँ पर। क्योंकि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के जब से प्यारे खान साहब अध्यक्ष बने हैं जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, सभी पार्टियों के लोग उनके पास जाते हैं। हम भी 2-3 बार इंटरव्यू किए जाते हैं, हमने देखा दूसरी पार्टियों के भी लोग जो है जी वो जा रहे हैं। तो प्यारे खान साहब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होने के नाते सभी के काम बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, ये हमने उनका दिनचर्या देखा है। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि आपको वहाँ से उम्मीद है इंसाफ? हाँ हाँ, मेरे को उम्मीद, आप सरकार से आपको ये उम्मीद रखेंगे तो किससे रखेंगे भाई? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैं तो अपना जो भी मेरे साथ जो भी हो रहा है तो मैं तो गवर्नमेंट को ही बताऊंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ही है ना, अनुकंपा का जो है रूल भी है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो भाई मेरा हक मुझे मिल जाए, बात खत्म। मेरे को किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना मेरे को कुछ करना है। मेरे घर में कोई फीडर नहीं है, मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनको मेरे को पालना है, मैं कैसे करूंगी भाई? और मेरे को किसी के रहम का इसका नहीं होना, मेरा हक मेरे को दे दो, बात खत्म हो जाती। नॉर्मली जो सुनने में ये आता है कि स्कूलों में जो स्कैम होता है मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें 30 से 40 लाख रुपए जो टीचर देता है उसको जॉब देते हैं,
तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इतने पैसे नहीं दे पाओगे, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं टाला जा रहा है जॉब? हो सकता, लेकिन मैंने तो अभी सुनी थी फिलहाल में कि जिसको इन्होंने अभी अपॉइंट किया हुआ है तो उसने 28 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके घर वर बेच के इनको दिया है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है किसी से। जी जी, कंफर्म नहीं है, वो चीज तो वही बताएंगे, लेकिन हो सकता उसके पीछे ये भी कोई वजह हो कि मेरे को अपॉइंट नहीं कर रहे होंगे वो, कि उनको ऐसा लग रहा, लग रहा होगा कि भाई उनका लॉस हो रहा है। मेरे को ऐसा बाहर से कहीं से सुने आया था कि उन्होंने 28 लाख रुपए लिए है, तो जो अपॉइंट जिसको करे तो उसने अपना मकान खुद का बेच के उनको पैसा दिया और वो किराए के घर में शिफ्ट हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये एक ही महिला नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्कूल और ऐसी बहुत सारी मैनेजमेंट है जो अपने टीचरों के साथ में लगातार शोषण कर रही है। तो ऐसे शोषण को रोकने के लिए आप एनएन टीवी की मदद करें, फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें, हर ग्रुप में हर पेज पर शेयर करें, और इस स्कूल के मैनेजमेंट में अगर आपका कोई पहचान वाला है तो उसे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, और सवाल करें कि जो कॉम दूसरों की मदद करती है वो कॉम आज अपनी ही बेटी की मदद करने के लिए क्यों आगे नहीं आ रही है, वो भी ऐसी बेटी की जो बेवा है, जिसकी दो बच्चियां हैं और अब शादी के लायक होने वाली है। ऐसी महिला, इसके पीछे दो युवतियां, इनकी मदद समाज करेगा क्या? आप आगे आए, शेयर करें इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर, बने रहें एनएनटीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।